खुद को अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं तो आप आवाम की क्या स्थिति होगी। तो पूरी तरीके से जो है अपराधियों का प्राधिकरण हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको मंत्री बना दिया जा रहा है, कोई घोटाले की जांच नहीं हो रही, कोई दोषी जो है अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हो रहा, इसका जवाब नीतीश कुमार। अब बात सही है, हम तो धन्यवाद देंगे डीजीपी महोदय को कि आपने कम से कम स्वीकार किया, हिम्मत दिखाया, आपने कम से कम ये तो माना जो हम लोग विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते थे, जो सच बोलते थे उसको आपने स्वीकार करने का काम किया। बताओ शराबबंदी, शराबबंदी हुआ है? कोई बंदी नहीं हुआ। अब आप लोग बोल रहे पूरी तरीके से होम डिलीवरी हो रहा, 200 रुपए का मटन 1500 में मिल रहा है, तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए हम लोग नशा मुक्ति के खिलाफ है, नशा मुक्त होना चाहिए हमारा प्रदेश देश, लेकिन नीतीश कुमार जी आप सरकार में हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि बिहार में आप जो है नशा मुक्त कराने का काम करें। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से बिहार में जो है शराब की बिक्री हर जगह हो रही है, हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। आप जो है अपने जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, बच नहीं सकते, केवल कागजों के कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करना होगा। आप देखिएगा अभी जीपीएससी के चेयरमैन का एक ऑडियो वायरल हुआ, उस केस में नौकरी देने के लिए उसका रेट बता रहे हैं 25 से 30 लाख। होते के बाद डीएसपी बना देंगे, 25 से 40 लाख रुपए लगेगा। यानी बीपीएससी के चेयरमैन का ऑडियो वायरल हुआ, क्या कार्रवाई हुई? यानी बिना घूस के इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, हर परीक्षा में नौकरी में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो उसके नीतीश कुमार जी इससे भी आप जो है नजर डालने का काम कीजिए। बात करते हैं 15 साल बनाओ 15 साल की, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि 15 साल में जब लालू जी पहली बार 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या काम किया और क्या स्थिति थी बताएं नीतीश कुमार जी। उस समय आर्थिक राजनीतिक जो स्थिति थी, सामाजिक जो स्थिति थी, वो आज के माहौल से पूरी तरीके से अलग थी। उस समय 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उसकी स्थिति समझे कि गांधी मैदान और पटना का रेलवे स्टेशन जो था वो गिरवी रखा हुआ था। लगभग 27 करोड़ बिहार का वित्तीय घाटा चल रहा था, अफसरशाही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, वंचित शोषित समाज का अगर कोई आवाज उठाने का काम करता था तो उसके आवाज को दबा दिया जाता था। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो गरीबों को आवाज दिया, सामाजिक न्याय देने का काम किया, उनको पहचान सम्मान और स्वाभिमान जगाने का काम किया। हटा दे, 7 विश्वविद्यालय लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में बिहार को मिला। अब झारखंड बट गया तो 2 विश्वविद्यालय, आपका जो है झारखंड चला गया, 5 विश्वविद्यालय जो है पटना रह गया। अब पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, बताएं आपके राज्य में कितने विश्वविद्यालय आपने बनाने का काम किया। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो नए जिला बना, नए नए ब्लॉक बने, अस्पताल, स्कूल, पुल, सड़क और पीपा पुल जैसे दियारा के इलाकों को देने का काम किया, उनको जोड़ने का काम किया, बड़े बड़े पुल बने, मतलब शिला जैसे पुल बनने का काम किया। आप देखिएगा लाखों लोगों को लालू जी ने पुलिस में बहाली करा करके रोजगार देने का काम किया, लाखों शिक्षकों की उन्होंने परमानेंट बहाली कराने का काम किया। आज जो भी स्कूल चल रहा है उन्हीं शिक्षकों की बदौलत चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। आप देखिएगा कितने जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व ऐसे ऐसे समाज जो पिछड़ा समाज था, कि पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, गरीब परिवार था, जो अंतिम पैदान पे खड़ा था, वैसे लोगों को आगे बढ़ा करके लालू जी ने एमपी एमएलए और देश की सबसे बड़ी सांसद में भेजने का काम करने का काम किया लालू जी ने। और 6 साल 98 से 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार रही, लालू जी को रोकने के लिए लगभग दर्जन भर केंद्र मंत्री भाजपा के बने थे, उसमें से एक नीतीश कुमार जी भी थे, आप लोग याद कीजिएगा। उस दौरान इन लोगों ने सारा प्रयास किया और हम लोगों की सरकार थी तो पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार होता था, कोई काम नहीं होने देते थे, मुकदमा किया, लालू जी को फंसाने का काम किया और पूरी तरीके से जो है सरकार को बदनाम करने का काम किया। लेकिन आप सब लोग से हम कहते हैं कि भले ही हम लोगों से कभी कोई चूक हुई होगी, कोई गलती हुई होगी, अगर कोई चूक हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अब नया जमाना है, नए जमाने के साथ, नए दौर के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का आपको काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। लालू जी पे सवाल उठाने वाले लोग ये भी जान लो, जब केंद्र सरकार में यूपीए 1 में जब लालू जी की सरकार बनी तो यूपीए की सरकार में 5 साल में लालू जी ने बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए दिलवाने का काम किया। अब पूछना चाहते डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला? हेंगा मिला, बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया। आप बताओ बिहार को कुछ मिला कि नहीं मिला? एनडीए की सरकार ने कुछ दिया? बोलते थे क्या बोलते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं, बिहार को विशेष पैकेज दिलवाएंगे, बाहर का स्पेशल पैकेज दिलवाने का काम किए करेंगे, लेकिन एक भूटी कौड़ी भी बिहार को ले जाने का काम किया इस डबल इंजन की सरकार ने। क्या फायदा ऐसी डबल इंजन की सरकार का? रघुवंश बाबू यहां बैठे, जिनको शक है उनसे जाकर के पूछ लीजिएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जितना सड़क जितना पैसा इनके रहते हुए वे ग्रामीण विकास मंत्री थे, जब भारत सरकार में जितना बिहार को मिला उतना और कोई राज्य को नहीं मिला था। लेकिन जो आज विकास थोड़ा मोड़ा आप लोगों को दिखता है, ये केंद्र ने जो 1,44,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था उसी के बदौलत दिखता है। नीतीश जी आज की स्थिति बताइए आप कि बिहार जो है हर एक मामले में जो है फिसड्डी क्यों हो जाता है? नीतीश जी कभी ये क्यों नहीं बताते कि जो बीआरजीएफ जो बैकवर्डिकल ग्रांट फंड था इसका जो है बोर्ड कौन बनाने का काम किया? ये लालू जी ने यूपीए 1 के समय में ये बीआरजीएफ बोर्ड बना, ये क्यों नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो, आपका जायका हो, आपके जो बड़े बड़े बैंक हैं जो उधार देने का काम करते हैं, पहले राज्य सरकार को उधार लेने की लोन लेने की इन बैंकों से अनुमति नहीं थी। केंद्र सरकार ने जब लालू जी गए तो यूपीए 1 में ये राज्य सरकार को इजाजत होने का काम किया गया। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी जितना आप पटना में आरोपी चिड़ियाचारपुर है या जितना रेलवे का आरोपी है, उस दौर में 100% लालू जी जब रेल मंत्री थे तो पूरा रेलवे पैसा देने का काम करता था, पूरा लालू जी रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया। और लालू जी की यह सोच थी कि गरीब रथ निकाल करके गरीबों को भी एसी में सफर कराने का काम किया लालू जी। लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में क्या काम हुआ? नीतीश जी आप बताइए आज बिहार की स्थिति क्या है? 2004 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज था एक बिहारी पर वो 5,000 से कम था, ध्यान से सुनिएगा, 2004 में प्रति व्यक्ति जो कर्ज था एक बिहारी पर वो 5,000 से कम था। और 15 साल नीतीश कुमार जी के राज करने के बाद
आज 1,35,000 हर एक बिहारी पर कर्जा है, हर एक बिहारी पर कर्जा है। ये आंकड़े नीतीश कुमार क्यों नहीं देते? आप बताइए, नीति आयोग का जो सर्वे आया, SDI जो सतत विकास सूचकांक है, उसमें बिहार शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ी राज्यों में से आता है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का है। आप देखिएगा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में सभी मानकों जैसे बुनियादी सुविधा, पुस्तकालय, कंप्यूटर एडेड शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, परफॉर्मेंस आउटकम इत्यादि में बिहार जो है सबसे पीछे राज्यों में से आता है। ये भी नहीं, कुपोषण के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे राज्य में आता है, अंतिम स्थान में आता है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर में भी निचले पैमानों पर आता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट में जो SC ST भाई है, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, बिहार राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार उन भाइयों पर जो है हुआ है। ये नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आंकड़े देते? नीतीश कुमार जी क्यों नहीं आंकड़ा देते कि बिहार में 15 साल में 55 बड़े घोटाले हुआ है, 55 बड़े घोटाले, सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, सात निश्चय घोटाला, जननी घोटाला, धान घोटाला, पान घोटाला, इसका हिसाब कौन देगा? इसका जवाब यही कौन देगा? और कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने कि पेपर लीक ना।